सब्सक्राइब करें बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर एवरीवन चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि अपना बैलेंस कैसे चेक करें बिना नेट बैंकिंग या इंटरनेट का यूज किए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते, वो लोग कीपैड वाला फोन यूज करते हैं, और एंड्रॉइड फोन अगर यूज भी करते हैं तो वो लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कैसे चलाएंगे नेट बैंकिंग, उनके पैसे ना निकल जाए नेट बैंकिंग से। तो ऐसे लोगों के लिए भी बैंक ने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसे मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। उससे लोग अपने मोबाइल से मैसेज करके, एसएमएस करके वो अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, स्टेटमेंट मंगा सकते हैं 6 महीने का, और वो अपने अकाउंट का चेकबुक भी इशू कर सकते हैं उसी एसएमएस करके अपने मोबाइल से, और भी बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एटीएम ब्लॉक करना, एटीएम पिन जनरेट करना, ऐसे काम कर सकते हैं वो। तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि वो लोग अपना एसएमएस कैसे, एसएमएस के थ्रू अपना बैलेंस कैसे चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर एवरी। बैलेंस चेक करने के दो तरीके हैं। पहला हम लोग सीखेंगे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और दूसरा हम लोग सीखेंगे मोबाइल से एसएमएस करके। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करके हम लोग यहाँ टाइप करेंगे चेक बैंक बैलेंस, और टाइप करके सर्च करेंगे हम लोग, तो हम लोग को ऐसा ऐप खुलेगा। इसमें तीसरा नंबर का जो ऐप है इस पर लिखा है चेक बैंक बैलेंस, इसको हम लोग को डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल करना है। अगर आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपके लिए SBI क्विक ऐप है जो कि इस वीडियो में आगे बताया गया है। अदर बैंक के कस्टमर इसको इंस्टॉल करें और ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, इसमें आपके सारे बैंक दिख जाएंगे। आपका जो भी बैंक हो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर बैलेंस चेक कर सकते हो। जैसे मेरा SBI है तो मैं SBI को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो चेक बैलेंस लिखा है, अब चेक बैलेंस पे टिक करेंगे और ये खुल जाएगा। इसमें हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, और कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बैलेंस चेक करते हैं यहाँ पे। अब जो भी नंबर आपके अकाउंट में लिंक हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते अपने आप कॉल लग जाएगी, और ये कॉल थोड़ी देर बाद अपने आप कट जाएगी। जैसे ही कॉल कटेगी वैसे ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका बैलेंस लिखा होगा। देखिए इस तरीके से मेरा मैसेज आ चुका है और उसमें मेरा बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक हो आप वो बैंक सेलेक्ट करिए और अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। अगर आप SBI के कस्टमर हो तो आपको SBI क्विक ऐप ये वाला डाउनलोड करना है। इस पर हम लोग डाउनलोड करके स्टेट बैंक का बैलेंस चेक करेंगे। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं SBI क्विक। SBI क्विक टाइप करके आप यहाँ जब सर्च करोगे तो आपको पूरा ऐप खुल जाएगा, और ये ऐप इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके हम लोग ओपन करेंगे तो उसका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें अब आप देख रहे हो ऊपर आपको लिखा है अकाउंट सर्विस, ATM कम डेबिट कार्ड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, PM सोशल सिक्योरिटी, हॉलीडे, और सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग को यहाँ पे अकाउंट सर्विसेज में चलना है। तो पहले अकाउंट सर्विस में हम लोग क्लिक कर लेते हैं और ये खुल गया। यहाँ पे पहला देख रहे हो आप रजिस्ट्रेशन लिखा है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, 6 महीने के स्टेटमेंट ले सकते हैं, और नीचे कई सारे ऑप्शंस हैं। SBI में बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से रजिस्टर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एक मोबाइल नंबर कई सारे अकाउंट में लिंक होते हैं, जैसे अपने बच्चों के अकाउंट में होते हैं, अपने पति पत्नी के अकाउंट में होते हैं। तो आपको जिस भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो या स्टेटमेंट चेक करना हो तो आपको वो अकाउंट सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है अपने मोबाइल से, तब आप उस अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते पॉपअप आ जाएगा। हमको जिस भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हुए एक ऐसा मैसेज टाइप हुआ अपने मैसेज बॉक्स पे खुल जाएगा। अब हमारे अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे हम ये मैसेज सेंड कर देंगे। मैसेज जैसे सेंड होगा और सेंड होते ही फिर हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज में लिखा रहेगा, डियर कस्टमर, यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटी। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब हम बैलेंस चेक करेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ऐसा नंबर हमारे डायल बॉक्स में आ जाएगा। ये नंबर आ गया, अब आप अपने रजिस्टर मोबाइल सर्विस से इस पर कॉल कर लें। कॉल करते ही यहाँ पे कॉल लग जाएगी और थोड़ी देर बाद ये कॉल कट जाएगा। कॉल करते ही हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा जिसमें हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से बैलेंस चेक हो गया। अब हम इसमें मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, एक मैसेज मोबाइल नंबर ही हमारा डायल हो जाएगा। इस पर हम उसको कॉल लगाते हैं। जैसे आप कॉल लगाओगे तो कॉल जाएगी ये,
और थोड़ी देर बाद ये कॉल अपने आप कट जाएगी। कटते ही हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा और इसमें हमारा पूरा मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपना बैलेंस इंक्वायरी कर लिया और मिनी स्टेटमेंट चेक कर लिया। अब हम दूसरी सर्विसेज में देखते हैं तो यहाँ पे एटीएम कम डेबिट कार्ड लिखा है, इसमें हम एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं और पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड ब्लॉक पे ओपन करके देखते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो हमारा एटीएम कार्ड खो गया है तो उसकी लास्ट के चार डिजिट यहाँ टाइप करके और सबमिट करके उस एटीएम कार्ड को हम ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे एटीएम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। कभी हमको एटीएम को यूज़ करना हो तो उसको ऑन कर लिया या कभी यूज़ नहीं करना हो तो उसको ऑफ कर लिया, इसकी फैसिलिटी भी हम यहाँ से ही मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम लोग को नया एटीएम आया है उसका पिन जनरेट करना है तो यहाँ पे हम लोग उस नए एटीएम का पिन जनरेट भी कर सकते हैं। अब आप नीचे देख रहे हो पीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यहाँ पे हम लोग पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं दोनों उसको भी हम लोग यहाँ से उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ ओपन करेंगे देखेंगे हम लोग कार लोन फीचर्स मिल जाएंगे, हम लोग को लोन होम लोन फीचर्स मिल जाएंगे। तो इन लोग के फीचर्स भी हम लोग मैसेज के थ्रू अपने मोबाइल मंगा सकते हैं और इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से बिना नेट बैंकिंग लिए हम लोग बहुत सारे काम इस SBI क्विक की फैसिलिटी से कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम लोग अब सीखेंगे कि वो लोग कैसे अपना बैलेंस चेक करें या मिनी स्टेटमेंट कैसे मंगाएगा। तो आप लोग को अपना मैसेज बॉक्स खोलना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है कैपिटल में REG और स्पेस देके अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये टाइप करके आपको भेजना है 09223458 इस पे आप सेंड करोगे, जिससे आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर हो जाएगा और एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें लिखा है कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए अपने मोबाइल पर डायल करना है 9223756। ये नंबर चाहो तो आप अपने मोबाइल में बैलेंस इंक्वायरी नाम से सेव कर लो। जब भी आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर को डायल करो और उस पर मिस कॉल दो। मिस कॉल करते ही आपको अपनी बैलेंस की इंक्वायरी आपके मोबाइल पर मैसेज से आ जाएगी। मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको डायल करना है 9223856। आप ये डायल करो और इस पर मिस कॉल दो। मिस कॉल देते ही आपके मोबाइल पर SMS के थ्रू आपका अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में आपको चेकबुक बुलवाना है तो आपको अपने मैसेज बॉक्स में जाना है और टाइप करना है कैपिटल में CHQREQ, ये टाइप करना है और आपको इसको भेजना है 09223558 इस पर आप सेंड करोगे तो कुछ दिनों बाद आपके घर पे चेकबुक आ जाएगी, आपके अकाउंट में चेकबुक इशू हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग ने कितनी आसानी से मैसेज करके मोबाइल से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लिया और मिनी स्टेटमेंट लिया और कितने सारे काम कर लिए जो कि हम लोग मोबाइल से बिना नेट बैंकिंग लिए भी कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी ऐसा व्यक्ति हो नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता हो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर किए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।